नमस्कार प्रिय दर्शकों, अकेलेपन को ताकत बनाओ कमजोरी नहीं, अकेला होना कमजोरी नहीं ताकत है। दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। इसे सुनने के बाद आप खुद को अकेलेपन महसूस नहीं करोगे, आप अकेलेपन में ही सफलता हासिल कर लोगे। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अकेले व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। अकेले चलने का साहस वे व्यक्ति करते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से नहीं घबराते। अधिकतर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते। जब भी आप कुछ नया और बेहतर कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं। कई मायनों में एकाकी होना ही आपकी विशिष्टता है। हालांकि अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक भी बनाती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने वाली लगती है, लेकिन इन बातों से सामान्य व्यक्ति घबराकर अपना रास्ता बदल सकते हैं वे नहीं जो अपने पथ को लेकर दृढ़ हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक तानों और व्यंग्य की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। यह विचार आना ही नहीं चाहिए कि कोई कार्य अकेले करने पर असफलता को प्राप्त होगा। व्यक्ति का जन्म भी तो अकेले ही होता है और मृत्यु का वरण भी वह अकेले ही करता है। हर व्यक्ति सोचने, समझने, विचार प्रक्रिया अपनाने जैसे कई मसलों में अपनी तरह का अकेला होता है। ऐसे में अपने मूल विचारों को अकेलेपन के डर से भीड़ के साथ मिला लेना उचित नहीं। व्यक्ति के अंदर नए विचार और आविष्कार की अवधारणा अकेलेपन में ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अक्सर वैज्ञानिक, लेखक और बुद्धिजीवी भी अकेले कमरे और एकांत में ही अपना कार्य, शोध, लेखन या विचार मंथन करना पसंद करते हैं। अकेला व्यक्ति निर्बल नहीं बल्कि सही मायनों में शक्तिशाली होता है। कभी कभी बिना किसी वजह के हमें अकेले रहने का मन करता है, ऐसा क्यों होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर उस वक्त हम अपने किसी प्रियजन से बात कर लेते हैं तो एक एक बात शेयर करने के बाद हमें थोड़ी राहत महसूस होती है उस व्यक्ति के साथ। जीवन एक पियानो की तरह है, यदि आप इसे बजाते हैं तो आप उस संगीत का आनंद लेंगे जो आपके विचारों को ग्रहण करता है और आपको आपकी इच्छानुसार चलने देता है। हम अकेले पैदा होते हैं, हम अकेले जीते हैं, हम अकेले मरते हैं। केवल अपने प्यार और दोस्ती के जरिए ही हम इस पल के लिए यह भ्रम पैदा कर सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। खूबसूरत आंखों के लिए दूसरों में अच्छाई तलाशें, खूबसूरत होठों के लिए केवल दयालुता के शब्द बोलें और संतुलन के लिए इस ज्ञान के साथ चलें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यदि आप वास्तव में अकेले महसूस कर रहे हैं तो एक नया विचार अपनाएं, उस विचार को अपना जीवन बनाएं, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें, उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उसी से परिपूर्ण होने दें। विचार और किसी अन्य विचार को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है। इस दुनिया में कोई भी चीज दृढ़ता की जगह नहीं ले सकती। प्रतिभा नहीं होगी, प्रतिभा वाले असफल लोगों से अधिक सामान्य कुछ भी नहीं है। प्रतिभा नहीं होगी, अपुरस्कृत प्रतिभा लगभग एक कहावत है। शिक्षा नहीं होगी, दुनिया शिक्षित विफलताओं से भरी है। दृढ़ता और संकल्प अकेले ही सर्वशक्तिमान है। जो लोग डरे हुए, अकेले या दुखी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय बाहर जाना है, किसी ऐसी जगह जहां वे स्वर्ग, प्रकृति और भगवान के साथ शांत अकेले रह सकें, क्योंकि तभी महसूस होता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए।
आमतौर पर जब लोग अकेले होंगे तो वे इस प्रकार के परिदृश्य में बहुत अधिक सोचेंगे। सोचे नहीं या अपने आप को एक कमरे में बंद न करें। बस बाहर जाएं और किसी मंदिर में बैठें और वास्तव में मेरा विश्वास करें। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप इसे महसूस करते हैं तो वास्तव में आपकी पिछली सभी बातें दिमाग में आती हैं, जो आपको दुख पहुंचाएंगी। इसलिए इसे ऐसा न होने दें। और कभी कभी हमें इस अकेलेपन की आदत हो जाती है। हमें यह अकेलापन पसंद आता है क्योंकि यह हमारा दोस्त बन गया। इसे अपनी आदत न बनने दें। एक बार जब यह आपकी आदत बन गई तो इसका प्रभाव पड़ेगा और आप कभी भी यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि यह आप पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए सही लगे और सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उच्च उद्देश्य, सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कभी कभी अकेले रहने और असफलता सहने के लिए तैयार रहें। दृढ़ रहना। दुनिया को वह सब चाहिए जो आप दे सकते हैं। अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। यह आपको उच्चतम ऊंचाई पर ले जाता है। भरोसा कब ताकत और कब कमजोरी बन जाती है, जाने गीता के अनमोल वचन। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा ताकत और कमजोरी दोनों बन सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। गीता के अनुसार समय कब क्या रंग दिखाए कोई नहीं जानता, वरना श्री राम को रात को राज्य मिलने वाला था, उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। गीता के अनुसार बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलें। मानव जीवन के एक पक्ष को दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि मनुष्य इस संसार में कमजोर है, फिर भी उसकी सभी आवश्यकताएं उसके स्वयं के थोड़े से प्रयास से ही उपलब्ध हो गई हैं। उसने तुम्हें वह सब दिया है जो तुमने उससे मांगा था। मनुष्य को चीजों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश देने के लिए आकाश में चमकता हुआ सूर्य है। ध्वनि सुनने के लिए मनुष्य को हवा की आवश्यकता होती है और हवा का एक आवरण उसे हर जगह हर समय घेरे रहता है।
मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए यह अनमोल तत्व उसे हर जगह लगातार आपूर्ति की जाती है। मनुष्य को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और पृथ्वी के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी है। मनुष्य को विकास और पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और पृथ्वी की मिट्टी उसे यह भोजन प्रदान करती है। पृथ्वी पर अरबों ऐसे घटक हैं जो मनुष्य की कमजोरी की भरपाई करते हैं, जिससे मनुष्य बिना किसी वास्तविक समस्या का सामना किए अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकता है। यह व्यवस्था इतनी संपूर्ण है कि कहा जाता है कि ब्रह्मांड मनुष्य के लिए अनुकूलित है। कमजोरी व्यक्ति को अहंकार, श्रेष्ठता की भावना, स्वार्थ और अवास्तविक दृष्टिकोण जैसी नकारात्मक सोच से बचाती है। ऐसा क्यों है? यह मनुष्य के लिए अपने दयालु रचिता को खोजने के लिए है, ताकि वह हर पल उसके प्रति कृतज्ञता की प्रतिक्रिया दे सके, सकारात्मक सोच वाला जीवन जी सके और लोगों के बीच शिकायत मुक्त व्यक्ति के रूप में रह सके। ऐसे व्यक्ति के मन की शांति किसी भी क्षण भंग नहीं होती। कमजोरी इंसान को छोटा बना देती है। इस कमजोरी का एहसास व्यक्ति में विनम्रता का विकास करता है, जिससे यथार्थवादी दृष्टिकोण का जन्म होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति को याद दिलाता है कि वह एक रचना है, निर्माता नहीं। इस प्रकार ऐसी कमजोरी एक सकारात्मक बात है। कमजोरी व्यक्ति को यह एहसास कराती है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई कार्य केवल तभी कर सकता हूँ जब कमजोरी व्यक्ति को अहंकार, श्रेष्ठता की भावना, स्वार्थ और अवास्तविक दृष्टिकोण जैसी नकारात्मक सोच से बचाती है। यह भाव व्यक्ति में सबसे बड़ा आध्यात्मिक मूल्य पैदा करता है। यह दूसरों के प्रति सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और मेल मिलाप की भावना पैदा करता है। यह एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, व्यक्तिवाद की बजाय सामूहिक सोच की भावना। इस प्रकार कमजोरी अपने परिणामों के संदर्भ में किसी की ताकत बन जाती है। इसके अलावा कमजोरी व्यक्ति को अहंकार, श्रेष्ठता की भावना, स्वार्थ और अवास्तविक दृष्टिकोण जैसी नकारात्मक सोच से बचाती है। मनुष्य को चयन की स्वतंत्रता दी गई है, जिसे यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह अराजकता में बदल सकती है। कमजोरी की भावना व्यक्ति को इस प्रकार की पटरी से उतरने से रोकने में ब्रेक का काम करती है। निर्बलता न होने पर मनुष्य अभिमानी और अहंकारी हो जाएगा। वह अपने समाज के लिए एक समस्या सदस्य बन जाएगा। कमजोरी का एहसास मनुष्य के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करने में मदद करता है। मनुष्य को शारीरिक कमजोरी के साथ साथ मजबूत दिमाग भी दिया गया है। यह समीकरण एक वरदान है। उसकी कमजोरी बौद्धिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति बन जाती है। यदि वह प्रकृति के इस नियम को समझ ले और इसका लाभ उठाए तो उसका कमजोर व्यक्तित्व निश्चित ही मजबूत बनकर उभरेगा। और एक मजबूत व्यक्तित्व एक सफल व्यक्ति का दूसरा नाम है। इस दुनिया में समय बेहद सीमित है। हम इस बहुमूल्य वस्तु को बदला लेने या प्रतिशोध या ऐसे अन्य नकारात्मक कार्यों पर खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस तरह की निरर्थक व्यस्तता के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ती है, वह हमारी अपनी प्रगति और विकास के रुकने के रूप में होती है। अकेलापन, अगर हम इसे अपने ऊपर हावी होने दें तो अपंग हो सकता है, और बहुत से लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी इसका अनुभव करते हैं। जब कोई अकेला और खोया हुआ महसूस करता है तो अपने लिए खेद महसूस करना और अकेलेपन की जगह में और नीचे गिर जाना बहुत आसान होता है। नीचे एकांत में ताकत खोजने के कुछ संकेत दिए गए हैं।
एकांत से शक्ति प्राप्त करना, अपने उस हिस्से से दोबारा जुड़े जो आपकी परवाह करता है, और आपको एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीते देखना चाहता है। हार मत मानो, प्रयास करते रहो और तुम अंदर से ताकत हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सभी उथल पुथल के बीच अपना ख्याल रखना न भूलें। आत्म देखभाल का अभ्यास करें, अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई को प्राथमिकता दें। इसकी शुरुआत उचित नींद, पैदल चलना, व्यायाम, अव्यवस्था, दिमागीपन, अपनी सीमाएं तय करना आदि से होती है। ऐसी जगह पर जाएं जहां विशेष यादें हों। अपना आरामदायक भोजन खाएं, अपने दोस्तों या परिवार से मिलें, सुखदायक संगीत सुनें, योग का अभ्यास करें, अपनी आंतरिक शांति खोजें और उस ऊर्जा का उपयोग करें। आसपास के लोगों को बताएं कि आपको थोड़ा समय चाहिए और अपने रास्ते खोजने के लिए। अतिरिक्त टूल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप पर कठोर मत बनो, अपने को क्षमा कीजिए, आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। कृतज्ञता और सकारात्मकता के उपकरण पर अंत आगे लाभ उठाएं। अपनी खुद की कंपनी का आनंद लें। कभी कभी आप अपनी सबसे अच्छी कंपनी होते हैं। कोई भी आपको उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। खुद से प्यार करना और खुद के साथ अकेले रहना सीखें। किताब पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें, गर्म चाय कॉफी का आनंद लें, फिल्म देखें, संगीत सुनें, अकेले यात्रा पर जाएं। बस उन चीजों के बारे में सोचें जिनका आप आनंद लेते हैं और उन्हें करें। जब आप अपने मित्रों के साथ योजनाएं बनाते समय उपलब्ध न हो तो निराश न हो। लगभग हर कोई किसी न किसी ऐसी चीज से गुजर रहा है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे, इसलिए अपनी कंपनी का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। अपनी शक्तियों और विशिष्टता को खोजने के लिए अपने एकांत स्थान का लाभ उठाएं। हर जगह फिट होने की कोशिश में खुद को थका देने के बजाय उन चीजों और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहें जो आपको खुश करती हैं। आराम करें और परिस्थितियां आने पर उनसे निपटने का प्रयास करें। कुछ आरामदायक सांस लेने के व्यायाम आजमाएं। यदि संभव हो तो अपनी तेज तर्रार जिंदगी से ब्रेक लेने का प्रयास करें। जब आप मेलजोल बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो इसे धीरे धीरे करने का प्रयास करें ताकि आप अभिभूत न हो। जहां आपको आवश्यकता महसूस हो वहां नहीं कहें। व्यक्तिगत या सामाजिक स्थानों में प्राथमिकताएं तय करें और सीमाएं बनाएं। नकारात्मकता से दूर रहें। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जहरीले लोगों और नकारात्मकता से दूर रहें। थका देने वाली सामाजिक गतिविधियों से ब्रेक लें। कभी कभी अकेले रहना उन लोगों की संगति में रहने से बेहतर है जो आपको अभिभूत और नकारात्मक महसूस कराते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अन्य लोगों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अजनबियों या ऑनलाइन दोस्तों से ऑनलाइन मान्यता प्राप्त करना खुशी की कुंजी नहीं है। उन पदार्थों की ओर रुख न करें जो आपको अस्थायी राहत दे सकते हैं। ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। नकारात्मकता से दूर रहने के अलावा जितना हो सके अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं को लाने का प्रयास करें। उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और ऐसा 21 दिनों तक करें। इस दौरान सकारात्मक उद्धरण खोजें जो आपके विचारों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। इस समय अवधि के अंत में धीरे धीरे इन पर अपनी निर्भरता कम करें और अपने मन में सकारात्मक विचार और कृतज्ञता रखें। कृतज्ञता की सकारात्मक विचार प्रक्रिया की शक्ति से आपका जीवन बदल सकता है। अगर दूसरों का सोशल मीडिया देखना आपको अकेला बनाता है तो सोशल मीडिया से ब्रेक लें और कुछ हफ्तों के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर जाएं।
अपने डिवाइस या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तभी वापस लौटें जब आप कार्य के लिए तैयार हों। मौजूदा रिश्तों को मजबूत करें। उन लोगों के साथ बंधन मजबूत करने का प्रयास करें जो पहले से ही आपके जीवन में हैं। यह आपके मित्र, परिवार के सदस्य, सहपाठी, सहकर्मी या पड़ोसी हो सकते हैं। उन्हें अधिक बार कॉल या टेक्स्ट करें। उन्हें मूवी या भोजन के लिए बाहर ले जाएं। उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। परिवार, दोस्तों के साथ यात्रा पर जाएं। कुछ भी, संभावनाएं अनंत हैं। कोई नई गतिविधि अपनाएं। कभी कभी परिस्थिति या परिदृश्य में बदलाव अकेले दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है। आप किसी खेल के लिए साइन अप कर सकते हैं, नृत्य कक्षाएं ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग करना आदि आजमा सकते हैं। अपने युवा स्वरूप में वापस जाने की कोशिश करें और उस चीज के बारे में सोचें जो आप वास्तव में एक बच्चे के रूप में करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आपको शुद्ध महसूस कराता था। आनंद, आप बाहरी सैर पर भी जा सकते हैं और प्रकृति के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हर दिन कुछ समय निर्धारित करें जिसके बारे में आप भावुक हैं। किसी उद्देश्य के लिए स्वयंसेवक बनें। स्वयं सेवा करना और दूसरों की मदद करना आपके समग्र कल्याण के लिए चमत्कार कर सकता है। यह तनाव को कम करता है, आपको उद्देश्य की भावना देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह जानकर आपको अच्छा महसूस हो सकता है कि आप कुछ सार्थक करने में सक्षम थे। इसके अलावा यह नए लोगों से मिलने और अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने का एक शानदार अवसर हो सकता है। स्वयंसेवा के अवसरों की तलाश करें और एक ऐसा कारण खोजें जिसकी आपको वास्तव में परवाह है। ऐसे लोगों को ढूंढना जो उन्हीं चीजों की परवाह करते हैं। जो आप करते हैं स्वचालित रूप से आपको कुछ सामान मिलता है और इसलिए उनके साथ बातचीत करना आसान होगा। एक नया पालतू जानवर, पौधा प्राप्त करें, पेड़ लगाओ। एक पालतू जानवर बहुत अच्छा साथी हो सकता है। पालतू जानवर वफादार, प्यारे और चंचल होते हैं। यदि आपको लगता है कि इस समय एक पालतू जानवर आपके लिए बहुत अधिक हो सकता है तो एक साधारण पौधे से शुरुआत करें। इसकी ओर ध्यान दो। दूसरे जीवन की देखभाल करने का लोगों पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम करने में नए हैं तो इसे धीमी गति से करें। हर काम एक साथ करने की कोशिश न करें। आप जॉगिंग, दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, नृत्य करना या कोई खेल भी अपना सकते हैं। टीम खेल में भाग लेना भी फायदेमंद है क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और साथ ही अच्छी कसरत भी कर सकते हैं। समर्थन के लिए पहुंचें। यदि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और आप अभी भी अकेलापन या निराशा महसूस करते हैं तो दूसरों का समर्थन लें। यदि आपको लगता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता है तो उनसे संपर्क करने में संकोच न करें। आपका मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली आपके शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी को कभी न कभी मदद की जरूरत होती है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं संभावना है कि आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनके साथ दयालु और नम्र रहें। यदि वे आपकी ओर बढ़ते हैं तो उन्हें दूर न धकेलने का प्रयास करें।
वे इस समय वास्तव में अच्छी कंपनी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे किसी चीज से गुजर रहे होंगे। लेकिन मदद का हाथ बढ़ाना वास्तव में उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। परिवार और दोस्तों से घिरे रहने पर भी अगर किसी की सामाजिक जरूरतें पूरी नहीं होती हैं या किसी को लगता है कि उन्हें समझा नहीं गया है, तो लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को खोने, बच्चों के घर छोड़ने, नई नौकरी या स्कूल शुरू करने, किसी कार्यक्रम में खुद को अलग थलग महसूस करने आदि से अकेलापन और बढ़ सकता है। हम जिन जैविक परिवर्तनों से गुजरते हैं, जैसे प्रसवोत्तर अवसाद, वह भी हो सकता है हमारे भीतर अकेलेपन के मुद्दों को जोड़े। कई बार यह अकेलापन, जो एकांत में ताकत का स्रोत होना चाहिए, उपयोग नहीं किया जाता है और यह व्यक्ति को निराशा में ले जा सकता है। अकेलापन हमें सत्यापन के लिए उन दोस्तों तक भी पहुंच सकता है जो एक जैसे सोचते हैं, और उन स्थानों में से एक जहां हम अपनी गुमनामी के कारण स्वतंत्र रूप से पहुंच सकते हैं, वह इंटरनेट है। अधिक से अधिक लोग समर्थन प्रणालियों के लिए इंटरनेट की ओर रुख कर रहे हैं, और हालांकि इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन लोगों को तीन कारणों से सावधान रहने की जरूरत है। एक तो यह कि बहुत बार इंटरनेट पर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे होने का दावा करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिकारी कमजोर, अकेले लोगों की तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार करना अक्सर आसान होता है। वे आपके साथ संबंध बनाते हैं, आपको उन पर भरोसा दिलाते हैं और कई मामलों में आपकी छेड़छाड़ की गई छवियों का उपयोग करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें इसका उत्तर अपने भीतर खोजना होगा। एक बार जब हम अपने भीतर एकांत की ताकत विकसित कर लेते हैं, तो हम इंटरनेट पर दोस्तों की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बातचीत में तार्किक और तर्कसंगत हो सकते हैं और खतरनाक स्थितियों को पहचानने और शिकारियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होंगे। भय और अकेलेपन में, हमारी असुरक्षा में, अकेलापन किसी व्यक्ति को विषाक्त रिश्तों और अन्य संबंधित मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला का शिकार बना सकता है। आपने फिशिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, पहचान की चोरी, ऑनलाइन यौन शोषण, गोपनीयता का उल्लंघन, ब्लैकमेल और जबरन वसूली, कैटफिशिंग, रोमांस घोटाले आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में सुना होगा। आप हर दिन समाचारों में ऑनलाइन घोटालों और मुद्दों के कई उदाहरण देख सकते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर से ताकत निकालने की कोशिश करें और अकेलेपन की दुर्बल स्थिति से निपटें और इसे ताकत में बदल दें। बोधिनी की ओर से प्रेम और उपचार ऊर्जा के साथ आपके आगे के सुंदर नए मार्गों की कामना करता हूँ। हालांकि जुड़ने की हमारी जरूरत जन्मजात है, हम में से कई लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन संकट या परेशानी की वह स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति सामाजिक जुड़ाव की अपनी इच्छाओं और उसके वास्तविक अनुभवों के बीच अंतर महसूस करता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो पूरे दिन दूसरों से घिरे रहते हैं या लंबे समय तक चलने वाली शादी में हैं, फिर भी गहरे और व्यापक अकेलेपन का अनुभव करते हैं। शोध से पता चलता है कि अकेलापन भलाई के साथ साथ दीर्घकालिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। अकेलेपन को पहचानना और उससे लड़ना। चाहे कोई व्यक्ति अलगाव में रहता हो या नहीं, सामाजिक जुड़ाव की कमी महसूस करना दर्दनाक हो सकता है। अकेलेपन का वर्णन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। अकेलेपन का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय UCLA अकेलापन स्केल व्यक्तियों से विभिन्न भावनाओं या कनेक्शन की कमी के बारे में पूछता है, जिसमें वे कितनी बार शामिल हैं। महसूस करें कि उनमें साहचर्य की कमी है, लग रहा है बाहर छोड़ दिया गया है। अपने आसपास के लोगों के साथ सुर में महसूस करें।
मिलनसार और मैत्रीपूर्ण महसूस करें। महसूस करें कि ऐसे लोग हैं जिनसे वे संपर्क कर सकते हैं। उन लोगों के लिए संभावित स्वास्थ्य परिणामों को देखते हुए जो महसूस करते हैं कि उनके पास कम या कोई सहायक सामाजिक संबंध नहीं है, व्यापक अकेलापन एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर पर भी बढ़ती पहुंच और जुड़ाव की मांग को रेखांकित करता है। मेरे दोस्त और परिवार हैं। मैं अब भी इतना अकेला क्यों हूं? अकेलापन किसी के रिश्तों की गुणवत्ता से उतना ही जुड़ा है जितना कि उसके कनेक्शनों की संख्या से, और यह केवल दिल के दर्द या अलगाव से उत्पन्न नहीं होता है। रिश्तों में प्रामाणिकता की कमी के कारण अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित पशु साथी का न होना या घर में एक शांत उपस्थिति का अभाव हो, भले ही किसी के पास व्यापक दुनिया में बहुत सारे सामाजिक संपर्क हों, अकेलेपन को जन्म दे सकता है। जब कोई अकेलापन महसूस करता है तो साथी की तलाश करना इतना कठिन क्यों होता है? इस बात के प्रमाण हैं कि अकेले व्यक्तियों में सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में एक प्रकार का नकारात्मक पूर्वाग्रह होता है। अकेले लोग संभावित अस्वीकृति के संकेतों को दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से पहचानते हैं। शायद इससे बचना और खुद को सुरक्षित रखना बेहतर होगा। जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं उन्हें इस पूर्वाग्रह के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि साथी की तलाश में इस पर काबू पाया जा सके। अकेलेपन से कई प्रतिकूल परिणाम जुड़े हुए हैं। अवसादग्रस्त लक्षणों और मानसिक बीमारी के अन्य रूपों के साथ इसके संबंध के अलावा अकेलापन हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह और गठिया सहित अन्य बीमारियों के लिए एक जोखिम कारक है। शोध से पता चलता है कि अकेले लोगों में अल्जाइमर रोग विकसित होने की संभावना दोगुनी होती है। लंबे समय से अकेलेपन की स्थिति प्रतिकूल शारीरिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि तनाव हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाना, नींद में बाधा आना और इसके परिणामस्वरूप कमजोर प्रतिरक्षा हो सकती है। क्या आप अकेलेपन से मर सकते हैं? जबकि कोई व्यक्ति केवल बहुत अकेलापन महसूस करके मर नहीं सकता है। यह निष्कर्ष कि अकेले लोगों में मृत्यु दर अधिक होती है, और कुछ बीमारियां इस विचार का समर्थन करती हैं कि समय के साथ दीर्घकालिक अकेलापन मरने के जोखिम को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। कौन सा आयु वर्ग सबसे अकेला है? अकेलेपन और अलगाव की भावनाएं सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती हैं। हालांकि किशोरों और बुजुर्गों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। संवेदनशील होना एक ताकत क्यों है? आखिरी बार कब आपने संवेदनशील होने का बखान किया था? सबसे अधिक संभावना है, उत्तर कभी नहीं है। ऐसे बहुत से गुण हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन संवेदनशील होना आमतौर पर कमजोरी माना जाता है। इसका मतलब यह लगाया जाता है कि आप नाजुक हैं, दुबले पतले हैं या बस जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पुरुषों से कहा जाता है कि उन्हें बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होना चाहिए, जबकि महिलाओं से कहा जाता है कि वे इतना संवेदनशील न हों। शब्दों का एक क्रुद्ध करने वाला समूह जिसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह से संवेदनशील लोगों को यह संदेश नहीं मिलता कि वे कौन हैं इसका जश्न मनाएं। बात यह है कि उन्हें अपनी संवेदनशीलता पर काबू लाना चाहिए और सख्त होना चाहिए। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि यह दृष्टिकोण काम नहीं करता है, यह गलत है। संवेदनशीलता काफी हद तक आनुवंशिक होती है और ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप बंद कर सकें। यह प्रतिभा से जुड़ा एक गुण है और इसे हमें अपनाना चाहिए। वास्तव में 3 दशकों के शोध के अनुसार यह न केवल एक स्वस्थ गुण है बल्कि एक शक्तिशाली संपत्ति के रूप में भी कार्य करता है। एक व्यक्तित्व गुण के रूप में संवेदनशील होने का मतलब है
कि आप अपने परिवेश से अधिक जानकारी लेते हैं और आप उसके साथ अधिक काम करते हैं। संवेदनशील लोग दूसरों की तुलना में जानकारी को अधिक गहराई से संसाधित करने के लिए मस्तिष्क के स्तर पर जुड़े होते हैं। इसमें संवेदी इनपुट जैसे कपड़े की बनावट को देखना, भावनात्मक इनपुट सामाजिक संकेतों को पढ़ना और विचार चीजों के बारे में सोचने और अवधारणाओं के बीच अधिक संबंध बनाने में अधिक समय व्यतीत करना शामिल हैं। यदि आप संवेदनशील हैं, तो यह गहन प्रसंस्करण आपके दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है। आप शायद नोटिस करते हैं कि दूसरे क्या भूल जाते हैं, सोचते हैं और गहराई से महसूस करते हैं, और आपके पास एक जीवंत आंतरिक जीवन है। आप संभवतः उन स्थितियों में भी अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं जिनसे किसी और को कोई परेशानी नहीं होती। यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। सभी लोगों में से लगभग 30% लिंग की परवाह किए बिना संवेदनशीलता के मामले में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति, जिन्हें कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील लोग HSP कहा जाता है, गहराई तक जाने के लिए तैयार किए जाते हैं और वह गहराई उपहारों के साथ आती है। सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध संवेदनशील उपहार रचनात्मकता है। यह संभवतः एक सामान्यीकरण है जो सच है। संवेदनशील लोग अत्यधिक रचनात्मक होते हैं और कई, शायद अधिकांश कलाकार, संगीतकार और अभिनेता स्वयं संवेदनशील लोग होते हैं। लेकिन रचनात्मकता कला के साथ समाप्त नहीं होती है। वही क्षमता नवप्रवर्तन में परिवर्तित होती है। पूरे इतिहास में हमारे कई महान विचारक और वैज्ञानिक संवेदनशील लोग रहे हैं, जिनमें चार्ल्स डार्विन भी शामिल हैं, जो न केवल रचनात्मक थे बल्कि चिंतनशील, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और मजबूत भावनाओं से भरे हुए थे। एक संवेदनशील व्यक्ति का आदर्श। संवेदनशील लोगों में नवप्रवर्तन की यह क्षमता होती है क्योंकि वे गहरे विचारक होते हैं, जो समस्याओं को अपने दिमाग में घुमाने में अधिक समय और ऊर्जा खर्च करते हैं और अंततः अधिक संभावनाएं और समाधान देखते हैं। संवेदनशील लोगों की दूसरी ताकत उनकी निर्णय लेने की क्षमता होती है। मनुष्यों और बंदरों दोनों से जुड़े अध्ययनों में जो विषय संवेदनशील हैं, संवेदनशीलता से जुड़े जीन वेरिएंट के आधार पर वे विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। विशेष रूप से वे जिनमें पैटर्न पर ध्यान देने और परिणामों की भविष्यवाणी करने और स्मार्ट निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की यह क्षमता संवेदनशील लोगों को विकासवादी लाभ दे सकती है। प्राकृतिक चयन के 2008 के कंप्यूटर सिमुलेशन में जिन प्राणियों ने अपने विकल्पों पर विचार करने और पिछले परिणामों से उनकी तुलना करने में अधिक संसाधन खर्च किए, जैसा कि संवेदनशील लोग करते हैं, वे कम संवेदनशील प्राणियों की तुलना में दीर्घकालिक रूप से आगे निकले। उन्होंने समय के साथ अधिक संसाधन एकत्र किए और दूसरों से आगे निकल गए। जंगल में इसका मतलब यह हो सकता है कि जब हर कोई भूखा हो तो गेम को ट्रैक करना। बोर्डरूम में इसका मतलब कंपनियों को उनके उद्योग के शीर्ष पर ले जाना है। लेकिन शायद संवेदनशील लोगों का सबसे बड़ा लाभ वह है जिसे हम बूस्ट इफेक्ट कहते हैं। बूस्ट इफेक्ट का अर्थ है कि संवेदनशील लोगों को उन्हीं चीजों से अधिक बढ़ावा मिलता है जो किसी की मदद करती हैं। उदाहरण के लिए 2022 के एक अध्ययन में तलाक के जोखिम वाले सैकड़ों जोड़ों को देखा गया। जोड़ों को अपने विवाह को बेहतर बनाने के लिए संबंध प्रशिक्षण दिया गया था और एक नजर में इससे मदद मिली। जिन जोड़ों ने इसे प्राप्त किया उनके साथ रहने की अधिक संभावना थी। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने विषयों का व्यक्तित्व परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि संवेदनशील लोग ही अपनी शादियों को बचाने के लिए प्रशिक्षण का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते थे।
इतना ही नहीं, जिन जोड़ों में कम से कम एक व्यक्ति संवेदनशील था, उन्होंने कुल मिलाकर रिश्ते की गुणवत्ता में सुधार की सूचना दी। वे एक दूसरे के साथ अधिक खुश हो गए। अन्य जोड़ों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। बूस्ट प्रभाव रिश्तों तक सीमित नहीं है। बार बार शोधकर्ताओं ने पाया है कि संवेदनशील लोग किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण या समर्थन से अत्यधिक उत्साहित होते हैं। यदि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो आप अपने चारों ओर एक सहायक वातावरण तैयार करके, जैसे कि सहायक मित्रों का एक समूह और सलाह, प्रशिक्षण, चिकित्सा या कोचिंग जैसे संसाधनों की तलाश करके इस क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि संवेदनशील लोग अत्यधिक उत्तेजित होकर इन उपहारों की कीमत चुकाते हैं। अत्युत्तेजना तब होती है जब मस्तिष्क के पास गहराई तक जाने के लिए बहुत अधिक जानकारी होती है। यह दिमागी धुंध, थकान, चिंता और भारीपन की भावना जैसा महसूस होता है। यह उन स्थितियों में होता है जो बहुत जोरदार, बहुत अराजक या भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र होती हैं। काम पर भागदौड़ भरा दिन और साथी के साथ झगड़ा दोनों ही आम ट्रिगर हैं। यह एकमात्र समय है जब संवेदनशील लोग वास्तव में दूसरों की तुलना में कम कठिन लग सकते हैं, लेकिन संवेदनशील लोग इसे बड़े पैमाने पर रोकना सीख सकते हैं। विशेष रूप से समय का निर्माण करके प्रत्येक दिन बस दिमाग को प्रक्रिया करने दें और पकड़ने दें। संवेदनशील लोगों के लिए, यहाँ तक कि संवेदनशील बहिर्मुखी लोगों के लिए, अकेले में थोड़ा सा शांत समय बहुत लंबा समय बिताता है। यदि इनमें से कुछ भी आपके जैसा लगता है, तो आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यदि हाँ, तो संभवतः आपने इसे छिपाने का दबाव महसूस किया होगा, लेकिन वह एक जाल है। आप स्वयं को अपने से कम संवेदनशील नहीं बना सकते हैं, और ऐसा करने का प्रयास केवल आपको आपके उपहारों से दूर करता है। इसके बजाय सबसे महत्वपूर्ण कदम जो आप अपने लिए उठा सकते हैं, वह है जो समाज ने आपको पूरी जिंदगी ऐसा न करने के लिए कहा है। अपनी संवेदनशीलता से छिपना बंद करें, इसे गले लगाओ और इसे दुनिया को दिखाओ। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।